बहुत मेहनत करके आ रहा ना, आज थक गया होगा ना यार। आई मीन लव यार। अबे साले ये प्यार यार कुछ नहीं है, सब बच्चूती है, वो तो इस्तेमाल कर रही है अपने मतलब के लिए। कम से कम तेरी वाली की तरह तो नहीं है ना, बैग उठा के बस बहन चोद के पीछे घूमता रहता है। मैं तो कम से कम बैग उठाता हूँ, देख रहा हूँ के नहीं उठाता हूँ। वो साले जब तुझे देखती होगी ना उसे तू नहीं काय डाल नजर आता है। ये पैसों की बात नहीं होती प्यार ना, ये उसकी बात होती है पैसों की नहीं। मैं देख बेटा प्यार एक एहसास है, तुम जैसे की ना सोच से बहुत दूर है, तुम बच्चे हो। यार तुम्हारी बाबी ये मुझ पर बहुत भरोसा है। जो बात है तो मेरे पैसों से नहीं मुझसे प्यार करती है। तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, बाय फॉरएवर। तुम बोल रहे हो दूसरी लड़कियों को बाय फॉरएवर? अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम क्या हो गया बेबी? आई लव यू ना, क्या हो? ले लो भाई $33 बिलियन। दिल टूट गया यार। दिल तेरी रख दिया। प्यार किया था मैंने, दिल तोड़ के चली गई। दिल टूटा है, इतनी सर्दी क्यों लग रही है? आप तो ठीक कह रहे, ठंड बढ़ गई है। भाई आपकी इतनी क्यों हट थी लड़कियों से? आज बता दो चक्कर क्या है? सुनो, आज से 4 साल पहले एक दिन ऐसा एक महीने में आता था जिसमें मेरी माँ की और मेरी बच्ची दोनों की सालगिरह होती थी, और मज़े की बात ये थी कि दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए। अब चलो यार, एक होता है कि यार कुछ ना कुछ तो दोनों को देना चाहिए था। माँ को चाहिए थी सोने की अंगूठी, उसको चाहिए था सिर्फ बेबी एक सूट। सूट कितने का बेबी? 20,000 रुपये का। उस वक्त साला मेरी हालत वो थी कि बंद कबाब भी मैं बिना अंडे का खाता था। मेरी गांड फटी जा रही थी जो मैंने उसी महीने रिज़ाइन दिया था। साला एक्सपेंसेस का अंबार मेरे सर पे था, अंबार भाई, अंबार समझता हूँ, अंबार था मेरे सर पे। ऊपर से मसला नहीं था यार, ये शॉपिंग, एक तो ये शॉपिंग ने मार के रख दिया इंसान की। शॉपिंग के लिए जाओ तो साला लेने एक शर्ट के लिए जाओ, लेकिन लेकर 4 सैंडल आती थी। 4 सैंडल का भी मसला नहीं था, ऊपर से जो ट्रायल रूम होने आजकल लड़कों की गांड मार के रखी है ना भाई, आई रियली अप्रिशिएट। जितने भी लड़के लड़कियों को लेके जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, आई रियली अप्रिशिएट। ट्रायल रूम्स की भाई शर्टें ट्राई करनी है, ट्राई करने के लिए जा रहे बेबी, ट्राई करने के लिए जा रहे, ट्राई करने के लिए लेकर आओ। अगर अच्छा बोल दो तो ओनली 2,000 रुपीज़, और अगर बुरा बोल दो अब क्यों अच्छा लगेगा, नया ऑफिस जो आ गया है, अब तो नई लड़कियाँ ना यार। कसम खुदा की दिमाग ऊपर से भाई, उस दिन मैं बर्थडे के लिए भाई बर्थडे के लिए ले गया, खाना खाने के लिए हम गए, मेरी बहुत भूख से मेरी गांड फटी जा रही थी। भूख के लिए लेकर गया मैं खाना खिलाने के लिए, जगह वो जो बैंडचोद गूगल मैप पे नहीं है, जगह पे लेकर गया भाई खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद खाना आया, मेरी मैंने सिर्फ छुरी और कांटा उठाया ही था, बेबी स्नैपचैट बैंडचोद। ये सोशल मीडिया ने जितना बर्बाद किया ना इंसान को, किसी ने नहीं किया होगा। मैंने बोला चलो यार स्नैपचैट भी डाल लो, स्नैपचैट जैसे खुला तो पता चला बैंडचोद नेट ही नहीं है, नेट नहीं है। मैंने बोला चलो बेबी स्नैप बना लो, घर जाकर कर लेना अपलोड। नहीं बेबी अभी ना, टेंशन सीकिंग कैसे होगी बैंडचोद यार, ये क्या मतलब? तुम लोग तुम जो स्नैपचैट यूज़ करते हो यार, मेरे पास से अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो मुझे बैंक से नहीं, तुम लोगों से पता चलता है कि ये थैंक यू बेबी का जो स्नैपचैट जा रहा होता है ना, थैंक यू बेबी, मुझे तो बाद में पता चलता है वो स्नैप देख के कुछ लिया गया है। मुझे तो पता ही नहीं है मैंने दिलाया, बस मुझे क्रेडिट मिल रहा है थैंक यू बेबी। उसके बाद फिर मुझे बोला जाता है कि तुमने किया ही क्या आज तक। अब माँ को भी कुछ ना कुछ देना था, उसको भी कुछ ना कुछ देना था यार। मेरी गांठ फटी जा रही थी, मैंने उसी महीने रिज़ाइन मारा था। कसम से समझ नहीं आते इन लोगों के चक्कर यार। और साला चक्कर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता था। भैंडचोद मूवी देखने के लिए जो तो मूवी से महंगे टिकट से, भैंडचोद मूवी के टिकट से महंगे नाचोज होते थे। ये नाचोज तो ऐसे लेकर आई अपने साथ बाप, इसके बाप ने इसको पार्टीशन में ऐसे दिए कि भैंडचोद मेरी कान का बुखार बन गए नाचोज। नाचोज है क्या मतलब, मुझे पता ही नहीं है यार। 10 रुपये के चिप्स लो, 2 रुपये की डिप लो, खा लो ना यार, ये क्या भैंडचोद 1,200 रुपये के नाचोज, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। इसको सरप्राइज़ में क्या चाहिए? ताजमहल। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? गांड का बुखार बन गया, जॉइंट अकाउंट खुलवाओ।
अरे भाई ज्वाइंट अकाउंट क्यों खुलवाए, क्या मसला है, ये लो बेबी मेरा डेबिट कार्ड। नहीं ज्वाइंट अकाउंट खुलाओ, सेविंग्स कैसे होंगी, सेविंग्स कैसे होंगी मैं जब डाल 1000 रहा हूँ, निकाल तू 1500 रही है, वहाँ से बैंक फोन कर रहा है बेबी आप पे इतना क्रेडिट चढ़ गया, अब तो बैंक वालों ने भी बेबी के नाम से सेव किया हुआ मेरा। ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें डालूँ मैं निकाले वो। मसला तो तब हुआ जब बैंक वालों ने मेरी और गांड मारी क्रेडिट कार्ड इशू करके, तब तो मेरे क्रेडिट कार्ड बड़े डेबिट कार्ड बड़े प्यार से दिया गया, ये लो बीबी आपका डेबिट कार्ड, लिया गया क्रेडिट कार्ड। भाई उस वक्त जो मेरी गांड बटी दिन के जो 10,000 हो उसके उड़ते थे, और उसके बाद भी अगर कोई बात चली जाए तो बीबी आप मुझ पर शक कर। मतलब यार मज़े वाली बात ये होती थी, संडे को सुकून से पूरा दिन वो अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करती थी, रात को अगर मैं अपने लाइन्स पे जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीता था तो वहाँ पे उसका मैसेज आता था बेबी एक ही तो दिन मिलता है अपने, तो फैंड चो तुझे वो एक दिन तब याद नहीं आया जब तू दिन में अपने दोस्तों के साथ अपनी कांड मरा रही थी। मतलब यार तंग आ गया हूँ। तुमने अपनी 2 लाख की अंगूठी दी, अब अंगूठी कुछ भी नहीं है यार, यकीन करो अंगूठी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भी तुम लोगों को छूती है समझता हूँ, तो मैं समझता था मैं अकेला इस दुनिया के अंदर हूँ, लेकिन मुझे अपने जैसे 2 मिल गए। हाँ लेकिन दुख की बात यह है कि तुम दोनों मेरे भाई होते, यानी गांड एक ही घर की फटी है। और इस सब के बाद ना मैंने अपनी लाइफ का एक पार्टनर चूज किया है,